रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग के फोटो और वीडियोस खूब वायरल रहे। सेलिब्रिटीज अपनी शादी के फंक्शंस को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं, जिन पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हालांकि कुछ लोग सादगी से शादी करना भी पसंद करते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी में हम आपको बॉलीवुड की सबसे महंगी और सबसे किफायती शादियों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी का। द मोस्ट पॉपुलर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इटली में जाकर भव्य और रॉयल वेडिंग की थी। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। इस शादी के वेन्यू से लेकर थीम तक सभी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की एलिगेंट वेडिंग लोगों के लिए ड्रीम वेडिंग बन गई थी। अब तक विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी सबसे महंगी सेलिब्रिटी वेडिंग मानी जाती है। इसके बाद नंबर आता है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी का। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जो अब ग्लोबल स्टार बन गई हैं, और पॉपुलर इंटरनेशनल पॉप स्टार निक जोनस ने साल 2018 में जब जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में रॉयल वेडिंग की थी, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक निक और प्रियंका जोनस की इस ग्रैंड शादी में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया था। दीपिका और रणवीर की शादी। बॉलीवुड की हॉट जोड़ी दीपिका और रणवीर सिंह ने इटली के लेक कोमो में विला में शादी की थी। इस विला में सिर्फ एक रात ठहरने का किराया ही 24,75,000 रुपए बताया जाता है। शादी के खर्च को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उनमें बताया गया है कि दीपिका और रणवीर की शादी में करीब 77 करोड़ से 95 करोड़ के बीच का खर्च आया था। इसी के साथ ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में करीब 40 करोड़ रुपए की आलीशान शादी की थी। वही बिजनेसमैन राज कुंद्रा और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की शादी में भी ठाट बाट की कोई कमी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी में 80 करोड़ के आसपास का खर्च हुआ था। ये तो हुई सबसे महंगी शादियों की चुनिंदा लिस्ट। अब हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड की सबसे किफायती वेडिंग्स कौन सी थी। इस लिस्ट में टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर की शादी में सिर्फ उनका परिवार और करीबी लोग ही शामिल थे। शादी में कितना खर्च हुआ, इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन ये शादी किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं हुई थी, बल्कि आलिया और रणवीर के अपार्टमेंट से ही हुई थी। कॉफी विद करण के 7वें सीजन में सारा अली खान ने भी शादी को सस्ता बोल दिया था। सारा के साथ आई जानवी कपूर ने जब कहा कि आलिया और रणवीर की शादी हार्ट टचिंग थी, खुशी के मारे आंसू निकल आए थे, तो सारा अली खान ने जवाब देते हुए कहा कि मैं सहमत हूँ, मुझे लगता है कि आलिया और रणवीर अपनी शादी में बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी शादी पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, जो कि मुझे पसंद है। उन्हें विदेश या दूसरी जगह नहीं जाना, जैसा कि दूसरे स्टार्स अपनी शादी के लिए करते हैं। रणवीर और आलिया की शादी उनके घर की बालकनी में ही हो गई थी। ये बहुत ही प्यारी और सस्ती शादी थी। इसी तरह शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से सिर्फ 3-4 मुलाकातों के बाद ही अरेंज मैरिज कर ली थी। शाहिद और मीरा ने दिल्ली के फार्म हाउस में शादी की थी। दोनों की शादी में केवल परिवार वाले ही शामिल थे। वहीं टी सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार और एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने साल 2005 में जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में शादी की थी। ये शादी बहुत ही सिंपल हुई थी, हालांकि बाद में दोनों ने शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा था। वही बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा ने अमेरिका में रहने वाले जेन से 29 फरवरी 2016 में शादी की थी। ये शादी लॉस एंजलिस में हुई थी। इसमें सिर्फ उनके घर वाले ही शामिल थे। प्रीति जिंटा ने शादी की अनाउंसमेंट तस्वीर शेयर करके की थी। तो ये हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी और किफायती शादियां। आपको किस स्टार की शादी का तरीका ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।